बाद में मराठी में कहावत है की तो जिभेवर साखर आणि डोक्यावर बर्फ जर असेल तर कुठलाच कस्टमर तुमचा तुटणार नाही. तुम्ही सगळ्यांनी जरूर चांगलं काम करा. मी स्टार्ट किया था जस्ट 1931 से, मेरे दादाजी ने स्टार्ट किया था. गोदावरी नदी के तट पर एक छोटा सा स्टॉल था हमारा. हमने वहाँ पे कुछ मसालों का सामान, कुछ रॉ मटेरियल बेचने से स्टार्ट किया. उसके बाद मेरे पिताजी ने वही कंसेप्ट लेके आगे चले और एक नए जगह पे वो बिजनेस स्टार्ट किया. उसके साथ उन्होंने एक नई जगह पे स्टार्ट किया और वहाँ उसके साथ उन्होंने किराना का व्यवसाय भी स्टार्ट किया. किराना का व्यवसाय स्टार्ट करते करते उन्होंने उनको लगता था कि मैं भी उसमें आ जाऊँ, वो अपना पारंपरिक व्यवसाय संभालूँ. तो फिर मैंने भी अपना MCS डिग्री कंप्लीट होने के बाद वो उनसे उनका जो सपना था वो पूरा करने के लिए मैं भी उसमें उतर गया. और ये अवार्ड सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरी पूरी टीम के लिए है. मेरे दो पिलर है, समीर और दीपक, उनकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ. हमारा छोटा कंपनी है पावर बंधु नाम से. हमने मसाले स्टार्ट किए थे तो हम छोटे छोटे पैकेट नासिक में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, लेकिन क्या है कि बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारे सामने टक्कर देने के लिए थे तो सब लोगों को लगता था कि नहीं ये नहीं कर सकता था. लेकिन मैंने सोच लिया था मुझे कुछ करना है, तो मैंने नासिक में छोटे छोटे काउंटर से करके आज मैंने, मेरी फिर सिस्टर है US में, हमने US में सैम्पलिंग किया, उसकी दोस्त को दिया, फिर वहाँ से आगे आकर हमने वहाँ पे इंडियन स्टोर से वहाँ पे हमने मसाले दिए. वहाँ से आकर हमारी आइडिया सक्सेस हुई और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगी. फिर हमने US में एक डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट किया. अभी हमारा जो लास्ट 2 ईयर का जो टर्नओवर था वो 2.7 था और लास्ट ईयर हमने 3.5 क्रॉस किया है. और नेक्स्ट 2 ईयर में हम और ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे और हम जो 5 से ऊपर जाना चाहेंगे. अभी आजकल कैसा है कि ऑनलाइन मार्केटिंग है. जैसा कि आपका कुछ भी बिजनेस हो तो जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, सब लोग आपको टक्कर देने के लिए तैयार है, लेकिन आप उससे डरना नहीं. आप खुद एक ऐप बनाओ, वेबसाइट बनाओ, आपके छोटे छोटे प्रोडक्ट लिस्टिंग करो जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर. आप छोटे से गांव में भी हो, कहीं भी हो, आपका प्रोडक्ट पूरे इंडिया में बेच सकते हैं आप. आप सिर्फ क्या करो, सोशल अपना मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो. 10 रुपये का सामान हो या 100 रुपये का सामान हो, आप सब कुछ बेच सकते हो. सिर्फ ये बड़ी बड़ी कंपनियों से डरना नहीं है, आपको खड़ा रहना है. आप ज़रूर आगे जाएंगे.